ओ भैया बाहर छोटी नदी तक तो जाना है। 200 लगेगा जी, इसे कम ही लगेगा। वहाँ से सवारी नहीं मिलती, खाली आना पड़ता है। अरे भैया हमने कौन सा टाइम लगाना है, ये सामान विसर्जित करना है और उसके बाद आपके साथ ही वापस आ जाना है। फिर तो 300 लगेंगे जी। तो कम करेगा? नहीं भैया। जा यार, चल प्रिया उससे पूछते हैं। सरदार जी। हाँ जी मालको, कहाँ जाना है? यार ये जो बाहर छोटी नदी है, चलोगे? जरूर चलेंगे जी। कितने पैसे? 150 लगेगा भौजी। 150? 120 वो ले रहा था। 120 में कौन जाएगा, शहर से इतनी बाहर तो है वो। और यार 100 ले लेना, चल चले। चलो मोहनी का टाइम है, चलो बैठो। चला चल। जानू मेरी बात सुनो, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इतने कम पैसे में मान गया। माना थोड़ी है, मैंने मनाया, स्कीम है, चल बैठ। हाँ जी चलें जी। चल भाई चल। हेलो, क्या हुआ, इतना मत सोचा जानू। मैंने कहा था ना, देखो सिर्फ चाकू भी नहीं। ओ यार तू क्यों डर रही है, तेरा सुपरमैन साथ में है ना। बस बस भैया यहाँ पे रोक दो, रोक दो। बस एक मिनट जी, इधर कर लूँ थोड़ा सा। अच्छा प्लीज। चलो प्रिया चले अब। नाना जी, आज मैं आपके कारण यहाँ हूँ, अगर आप ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता, आपका बहुत धन्यवाद। सब उस परमात्मा की रजा है जी, वाहेगुरु ने मुझसे सेवा लेनी थी, ले ली, कौन किसी की जान बचाता है। मेरे लिए तो आप ही वाहेगुरु हो जी, ये पैसे रख लीजिए। ये पैसे भी तो आज डूब ही जाने थे। बस ये 100 लूंगा जी, अपनी मेहनत का। मुझे माफ कर देना जी, सचमुच इंसानियत की कीमत कोई नहीं दे सकता। बहन जी, ये चाकू नहीं है, ये मेरे गुरु की दी हुई निशानी है, जो गरीबों मजलूमों और बेसहारा की रक्षा करने के लिए बनी है। अच्छा बहन,